हे दिस नेहा नूपुर वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेल, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे रिगार्डिंग टू योर कैबिन क्रू इंटरव्यू, बट वो क्वेश्चंस थे आपके पर्सनालिटी बेस्ड के ऊपर। अगर जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा उन्हें पता होगा कि जो आपका बिगिनिंग के जो राउंड्स होते हैं, इनिशियल जिसे राउंड हम कहते हैं, उन राउंड्स के अंदर शायद ये क्वेश्चंस आते ही नहीं है। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप इस एयरलाइन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप में ऐसा क्या है जो हम आपको ज्वाइन करें या फिर हम आपको हायर करें, तो ये क्वेश्चंस तब आते हैं जब आप बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हो। अब बेसिक क्वेश्चंस क्या है जो आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज योर वीकेंड। अब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको पास्ट में बात करनी है, आपको सब कुछ पास्ट में बताना है। और आपको पता होगा कि हम पास्ट में बहुत सारी गलतियां करते हैं, टेंस की गलतियां करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, थोड़ा सा इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप इसका आंसर कर सकते हैं। हैड अ ग्रेट वीकेंड, आई कॉल माई कजन्स एंड आई आस्क देम टू कम एट होम, वी हैड रियली फन विद ईच अदर, वी रिफ्रेश आवर चाइल्डहुड मेमोरीज, वी हैड डिनर टुगेदर, वी ट्विंस टुगेदर रियली वेल, आई रियली इंजॉय माई कजन्स इन वीकेंड। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा आपको बताया। अब आप चाहें तो इसमें बहुत सारे फन एलिमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सिर्फ आपके बारे में है, तो आप अपने बारे में जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा आप बोल सकते हैं, जितना ही इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सके, ताकि कुछ ज़्यादा फेक भी ना लगे और अच्छा भी लगे, और आप जो भी बोल रहे हो उसमें आपको भी मज़ा आए और सुनने वालों को भी अच्छा लगे। बड़ा ही बोरिंग क्वेश्चन है ना, आपने क्या किया, तो आपने क्या किया उसको जितना अच्छे तरीके से आप बता सके उतने अच्छे तरीके से। लेकिन सच बताओ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया नहीं किया, उनको सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रामर को पकड़ना है। अब जो भी बोल रहे होगे ना उसमें सिर्फ और सिर्फ वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढे कि कहाँ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करें, ठीक है। और अगर आपने कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं किया, आपने अच्छे से आंसर दिया, इट मीन्स वो आपके नाम पे टिक हो जाएगा कि आप सेलेक्ट हो या फिर आपको नेक्स्ट राउंड में रेफर कर दिया जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, सेम क्वेश्चन आपका है, हाउ वॉज योर येस्टरडे। सो आप येस्टरडे को भी इस तरीके से ही प्रेजेंट कर सकते हो, अपने वीकेंड को हटा के आप येस्टरडे डाल दो और मे बी सेम स्टोरी आप प्रेजेंट कर दो, किसी को भी फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि आपसे या तो वीकेंड पूछा जाएगा या फिर आपसे येस्टरडे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका है योर फेवरेट मूवी, सो विच मूवी यू वॉच लास्ट, सो आपने कौन सी मूवी लास्ट देखी है। तो सपोज आपसे पूछा गया ये मूवी के बारे में, तो आपने बोला मैंने देखी लायन किंग, अब आप चुप हो गए। अब आपने सिर्फ एक मूवी का नाम बता दिया और आप चुप हो गए, गाइज ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब द लायन किंग हमने ले, आई वॉच्ड अ फैबुलस मूवी लास्ट वीकेंड, दैट वॉज द लायन किंग, आई रियली इन्जॉय दैट मूवी, एंड माई फेवरेट कैरेक्टर वॉज मुफासा, बिकॉज द लव फॉर हिज फैमिली, द केयर, द ग्रेस, द एक्सेप्टेंस ही शोड इन दैट मूवी, दैट वॉज कमेंडेबल। आई फाउंड दैट कैरेक्टर टू टीच समथिंग ऑन द अदर हैंड टू एवरी वन, and the character is something which I wanted to be in my life, so I really enjoyed watching that movie. इस तरीके से आपने एंड अप करना है, आपको कोई भी एक मूवी आपने जो भी आपने चूज करनी है वहाँ पे आपको थोड़ा कुछ ना कुछ बोलना है, बिकॉज इंटरव्यूअर आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करो खुद के बातों को। अगर आप नहीं करोगे तो आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उनको कष्ट देने से अच्छा है कि आप खुद ही अच्छे से बात करो, ताकि उनको कम कष्ट हो और आपके नेक्स्ट राउंड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे जब मैं अपना इंटरव्यू दे रही थी तो वहाँ पे पैनल में काफ़ी सारे लोग बैठे थे, उनमें से एक लड़की से पूछा था कि आपका फेवरेट मूवी बताइए, सॉरी आपका लास्ट मूवी बताइए आपने जो भी देखी हो, तो उसने मूवी का नाम लिया और वो चुप हो गई। फिर उसे दोबारा पूछा गया कि भाई आप थोड़ा सा और बताइए उसके बारे में, तो तो एक कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट और एक गलत इम्पैक्ट चला जाता है इंटरव्यूअर के सामने, कि नॉर्मल बात है जब इंटरव्यू में हो दिमाग काम नहीं करते, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहिए ताकि वहाँ पे जाकर के आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो और आप अपना दिमाग का यूज़ कर सकें। चलिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट मूवी आता है, सॉरी आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है योर फेवरेट क्रिकेटर, योर फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर तो मुझसे भी पूछा गया था, फेवरेट एक्टर पूछते हैं तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है, आपको फेवरेट एक्टर वो क्यों लगता है, कुछ अच्छी बातें उसके बारे बताइए। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक फेवरेट एक्टर, कोई भी एक्टर को ले लीजिए, मुकेश खन्ना को ले लेते हैं, चलिए। तो अब आप मुझे बताना है, आई थिंक आई रियली लाइक द वर्क ऑफ मुकेश खन्ना ऑन स्क्रीन, आई फेल दैट वॉट एवर ही इज डूइंग ऑन स्क्रीन दैट रियली टीच समवेयर to their audience, and I feel that that character is really genuine and the acting which he shows that is really commendable. Whatever TV shows he did and the movies where he performed, I think he always wanted to serve something good to their audience, which I really appreciate, and that's the reason I like him the most.
इस तरीके से आप कोई भी हीरो का ले लीजिए, उसके कोई भी अच्छे पॉइंट बता दीजिए, थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। मैं तो रैंडमली बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ही है। आपको क्या पसंद है, आपको क्यों पसंद है, तो इसके ऊपर जितना भी अच्छे तरीके से आप बोल सकें उतने अच्छे तरीके से बोलिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपका फेवरेट क्रिकेटर, आपका फेवरेट टीवी शो, ये सब चीज़ें ना आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कोई भी एक टीवी शो पकड़ लीजिए, कोई भी टीवी शो पकड़ लिया, क्यों पसंद है, उसमें क्या पसंद है, एक दो कैरेक्टर का नाम ले लीजिए कि उस कैरेक्टर में क्या है। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा बोलना है, बट थोड़ा थोड़ा सा बोलना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बोल के बता रही हूँ ना, वैसे ही मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस से और शांति से बोलिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ये सारे जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ना गाइज, प्लीज लिख लीजिए, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट एक्टर, योर फेवरेट टीवी शो, योर फेवरेट मूवी, योर लास्ट मूवी, योर वीकेंड, योर येस्टरडे, प्लीज़ लिखिए इन सारे चीज़ों को, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे आपके पास, और जब आप इंटरव्यू में होंगे, अगर आप प्रिपेयर से नहीं करोगे तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, फिर आपका वो मोमेंट रिग्रेटेबल मोमेंट हो जाएगा कि आपने प्रिपेयर क्यों नहीं किया इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं आपको चेरिशेबल मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट, ठीक है, चेरिशेबल मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट, अब जिसको आप चेरिश करते हो, जिसको आप बहुत ही खुशनुमा मानते हो, बहुत ही खुश होते हो जैसे याद करके, जैसे आपको बहुत ही अच्छा लगता है वो मोमेंट, तो वो मोमेंट कोई भी हो सकता है। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं, या फिर आपको बहुत ही शाबाशी मिली हो किसी से, या फिर कुछ भी आपने कोई ऐसा अचीव किया हो, अचीवमेंट्स में ही जनरली, तो कोई भी अचीवमेंट, आपका बर्थडे पार्टी कोई ऐसा हो, या आपका बर्थडे हो, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो चेरिशेबल मोमेंट आपके ऊपर है। आपका जो भी सबसे अच्छा मोमेंट हो उसे आप प्लीज़ प्रेजेंट कीजिए। ये सारी चीज़ें हैं ना जो आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका फ़ायदा उठाइए, अच्छा अच्छा मोमेंट प्रेजेंट कीजिए। ये आपका बर्थडे भी हो सकता है, आपका कोई भी अचीवमेंट भी आप उसमें शो कर सकते हैं। मेमोरेबल मोमेंट, अब चेरिशेबल मोमेंट एंड मेमोरेबल मोमेंट दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में एक ही आंसर प्रेजेंट कीजिए, दोनों में से जो भी आपसे पूछा जाए उसमें आप प्रेजेंट कर सकते हो। उसे रटना नहीं है, थोड़ा सा स्टोरी बना लेनी है, कोई अच्छी सी कोई वर्बियाज चुन लेना है, ताकि आप वहाँ पे हिचकिचाए नहीं, आपके पास थॉट्स हों, ठीक है। रटना नहीं, रटा हुआ बोलोगे तो रटा हुआ लगेगा। तैयारी करनी है पर जेन्युइनली बोलना है, ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिग्रेटेबल मोमेंट। रिग्रेटेबल मोमेंट में आपको किस चीज़ पर रिग्रेट हुआ है बहुत ज़्यादा, पश्चाताप जैसे कहते हैं। पश्चाताप में अब क्या होता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लेते हैं, गलत चूज सब्जेक्ट कर लिया, जैसे कि ट्वेल्थ में आपको कोई और सब्जेक्ट लेना था, आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया, तो वो एक रिग्रेटेबल मोमेंट हो सकता है। ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से करना चाहिए था, आपको कोई और सब्जेक्ट ले लिया, ग्रेजुएशन के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है, या मिड ग्रेजुएशन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था, तो वो एक रिग्रेटेबल मोमेंट हो सकता है। इस तरीके से जो भी आपका रिग्रेटेबल मोमेंट हो उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे एक बार मैं अपने हेड ऑफिस पे गई थी, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था मेरा, तो मैं अपने हेड ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी ऑफिस के, एंड देयर वाज वन गर्ल हु वाज प्रेजेंटिंग हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, तो उससे यही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट्स योर रिग्रेटेबल मोमेंट, तो उसने बड़ा ही अच्छा आंसर प्रेजेंट किया, उसकी आवाज़ आ रही थी और मैंने वो सुना, तो मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगी। उसने बोला कि लाइफ इज़ फुल ऑफ रिग्रेट्स, each and every time we feel like we did something wrong and we regret about that, but I think in our life teach us to go forward and don't remember the regrets, so you know what, I never ever keep in my mind that what exactly we did something wrong and which I should regret, I always try to see my positive side and positive works which I did in my life. इस तरीके से उसने बोला, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि उसने कोई रिग्रेटेबल, उसका मे बी शायद वो इसी तरीके की लड़की, उसके थॉट्स कितने अच्छे देखे। उसने बोला कि मेरे लिए कोई रिग्रेटेबल मोमेंट नहीं है, हालांकि हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं अपनी लाइफ में और बहुत सारे रिग्रेट्स हम बनाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक चीज़ को पकड़ के बैठे। अगर आपने मुझसे आज पूछा है तो मेरे पास आज बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और उसने बड़ा ही स्माइल के साथ पोलाइटली उसने इस चीज़ को प्रेजेंट किया, आई थिंक बहुत अप्रिशिएटेबल आंसर था। सो आप डिसाइड कर सकते हैं, आप चाहे, ऐसा नहीं है कि आपने रिग्रेटेबल मोमेंट दूसरा डिसाइड किया तो वो गलत है, दोनों ही सही हैं। आपको जो ठीक लगता है, आपके जो थॉट्स हैं आप उससे तैयार कर सकते हैं। मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैंने आपको शेयर किया। उसके बाद आते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आपका है कि आप कोई भी फादर का इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कोई भी लीडर का इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किसी का भी इंस्पिरेशन लीजिए। इंस्पिरेशन का नाम, ये आपके इंस्पिरेशन है और क्यों है, क्या आपको अच्छी लगती है उनमें, ऑनेस्टी है या फिर वो अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं, जो भी है, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, भाई का नाम, किसी लीडर का, कोई भी आप लीजिए, बट उसकी एक अच्छाई, अच्छा जो आपको सीख देती है,
किसी लीडर का नाम ले रहे हैं तो उसका कोई कोट भी यूज़ कर सकते हैं कि उसने ये कोट बोला था और मुझे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है। और जो भी डिफिकल्ट टाइम आता है मैं इस चीज़ को सोचती हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर और स्ट्रांग फील करती हूँ। इस तरीके से आप कोई भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं आपको इस पे वर्ब्याज नहीं दे सकती क्योंकि आपको वर्ब्याज कहीं भी मिल जाएगा, इसके ऊपर गूगल पे भी आपको ये मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट आपको करना चाहिए। उसके बाद फनीएस्ट थिंग विच यू डिड इन योर पास्ट, कोई भी फनीएस्ट थिंग या कोई भी फनीएस्ट इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो तो आप कोई भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फनीएस्ट डजेंट मीन जैसे कोई भी ऐसी बेकार सी चीज़ें आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी फनी जो सेंसिबल हो और जो थोड़ा सा, अब आप कहोगे सेंसिबल होगा तो फनी कैसे होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। किसी का मजाक उड़ा चुके हो तो आपको फनी लगता है और आप वो प्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यू में, नहीं गाइस, कैबिन क्रू का इंटरव्यू है तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के आंसर्स को प्रिपेयर कीजिए। अब मैं मुझसे अगर पूछा जाए फनीएस्ट मोमेंट, तो वो फनीएस्ट तो नहीं हो सकता है लेकिन थोड़ा सा फ़नी मुझे लगता है कहीं ना कहीं, बिकॉज़ मैं एक बार अपना लेओवर पे थी, हांगकांग का लेओवर था, मैं अपने क्रू के साथ रूम शेयर कर रही थी, तो मिड नाइट ना मैं बहुत थक गई थी, हम बाहर घूमने गए, घूम घूम के बहुत थक गई थी मैं, तो मैं जब काफ़ी थक जाती हूँ ना तो मैं बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। डोंट वरी, मैं चलती वलती नहीं हूँ नींद में, बट बोलना शुरू कर देती हूँ। सो आई स्टार्ट सेम थिंग इन दैट होटल, और वो लड़की डर गई बेचारी, जो मेरी क्रू थी ना वो काफ़ी डर गई कि अरे इसको क्या हुआ। उसको पहले लगा कि आई एम टॉकिंग ऑन फोन, बट मैं फ़ोन पे बात नहीं कर रही थी, मैं सच में बड़बड़ा रही थी, तो वो बेचारी डर गई। और इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग उसने मुझे शेयर किया कि यार आप तो बड़बड़ा रहे थे नींद में, मैं काफ़ी डर गई। मेरे लिए तो यही है, आपके लिए कुछ ऐसा है तो प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, स्पेशली फॉर बॉयज़। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सेफ्टी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी आपको पॉजिटिव साइड को ढूंढ करके बोलना है। अब आप कहोगे वुमेन सेफ्टी के अंदर हम क्या पॉजिटिव ढूंढें, पॉजिटिव इसमें क्या ढूंढोगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। लेकिन जब आप इसे बोलोगे ना, एग्रेसिव नहीं होना है, बिकॉज जनरली हम लड़कियाँ जब इस बारे में बात करती हैं तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाती हैं, तो इस ऐसा नहीं करना है आपको। ऑफ कोर्स इंडिया, वट एवर हैपनिंग अराउंड अस, वी कैन सी दैट थिंग, सो इट्स डाउटेबल दैट वी आर सेफ, ऑफ कोर्स इट इज, बट थोड़ा सा पोलाइटली शांति से आपको प्रेजेंट करना है इस आंसर को। अगेन कहूँगी, गूगल पे आप कुछ इंसिडेंट ले सकते हैं, जैसे कोई केस आप ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप केस को पकड़ लिया तो उसमें पूरा डीप में घुस जाओगे, उस केस में क्या हुआ। एक तो केस का नाम ले लिया कि अच्छा ये हुआ है पास्ट में और ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सेफ नहीं है। लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि दैट वी नीड टू टीच आर सन, वी नीड टू टीच आर ब्रदर्स कि ऐसी चीज़ें ना करें, और यू नो आप समझ गए होंगे, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं योर, अच्छा ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है, हम सारे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन बेस्ड पे होते हैं और आपके फर्स्ट राउंड में, जो कि लाइक हम कहते हैं ना केक वॉक है, यही केक वॉक वाले क्वेश्चन हैं, यही केक वॉक वाले क्वेश्चन आपको रिजेक्शन तक लाते हैं, आपको रिजेक्ट करवा देते हैं, तो प्लीज़ इनको सीरियसली लीजिए। एक क्वेश्चन है आपका होम टाउन के ऊपर, बहुत ज़्यादा ये ग्राउंड स्टाफ के भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये कैबिन क्रू के इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे आपने बताया दैट आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ और आई एम फ्रॉम मनाली, सो ऑफ कोर्स तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि डू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट योर होम टाउन, तो अब आप कुछ बताइए अपने होम टाउन के बारे में, तो जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी ना आपकी होम टाउन के बारे में, कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ के कल्चर के बारे में कोई अच्छी चीज़, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, जो भी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी बातें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, आपको मेट्रो सिटी कैसा लगता है, जैसे आप बाहर से आए हैं तो मेट्रो सिटी के बारे में आप बता सकते हैं कुछ चीज़ें, जो भी आपको डिस्कस करना है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर मुझे आपको कोई वर्ब्याज देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ब्याज नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको नोटबुक पे नोट कर लीजिए और प्रिपेयर कीजिए। हो गया आपका टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये सब तो किसी भी राउंड में आपसे पूछा जा सकता है, इनफैक्ट आपसे हर राउंड में पूछा जा सकता है, तो ये दोनों तो आप प्रिपेयर करके ही रखिए। तो दीज आर द क्वेश्चन विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल एंड आई डिड इट। इफ आई विल फील समवेयर दैट ओके सम क्वेश्चन आर लेफ्ट, मे बी आई विल कम अप टू यू विद सम मोर क्वेश्चन, दैट इज फ्यूचर्स टास्क। But in this video, if you have any doubt, any feedback to share, please let me know in the comment section. And thank you for watching this video. Bye-bye.